प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आज शुभारंभ हुआ। इसके अंतर्गत धार जिले के धर्मपुरी तहसील में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लाइव संबोधन टेलीकास्ट के माध्यम से दिखाया गया। इसके बाद धर्मपुरी में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित की कुल 55 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्न योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अतिथियों की मौजूदगी में विधिवत पूजन अर्चन के बाद हितग्राहियों को सम्मानित कर निःशुल्क राशन वितरित किया गया। साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकारों की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस कड़ी में गुजरी की स्थानीय आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थान में भी उचित मूल्य की दुकानों पर 665 हितग्राहियों को राशन वितरित किया गया। आयोजन के दौरान उचित मूल्य की दुकान को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रंगोली बनाकर सजाया गया था, जिसमें विधायक पाचीलाल मेड़ा सहित अतिथियों ने भाग लिया और हितग्राहियों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। साथ ही सरकार की लाभकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। आज पूरे प्रदेश में अन्नोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसी तारतम्य में धर्मपुरी ब्लॉक के भी सभी 55 उचित मूल्य दुकानों पर अन्नोत्सव का आयोजन किया गया। 31,200 हितग्राही परिवार में से 4,100 परिवारों को आज झोले में 10 किलो राशन सम्मान के साथ माला पहनाकर तिलक लगाकर अतिथियों के सानिध्य में सभी दुकानों से वितरित किया गया। यह मध्यप्रदेश शासन की मंशा थी कि भोजन भी, जीवन भी और सम्मान भी मोदी जी के सानिध्य योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत यह राशन का वितरण मुफ्त में किया गया और यह योजना मई से प्रारंभ हुई थी और नवंबर तक चलेगी। आज इसे उत्सव के रूप में मनाया गया। धर्मपुर ब्लॉक की भी सभी दुकानों से यह उत्सव के साथ राशन